आज का टॉपिक है करंट टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, जेके एसएसबी के लिए है, क्योंकि आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी हमारे लैपटॉप में, ठीक है, करंट अफेयर की क्लास जब ऑन होते तब करते हैं। अभी कुछ जनरल क्वेश्चंस करते हैं जीएनके के, ठीक है, ये लार्जेस्ट भी है, फर्स्ट भी है और कुछ का नाम सेपरेट क्लूज भी है। 10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, देखते हैं कौन कौन से। इंडिया में सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? कश्मीर, ठीक है, क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी इंदिरा ट्यूलिप गार्डन नहीं है, अब इसका नाम चेंज हो गया चक्कर, ठीक है। इससे पहले अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये जो ट्यूलिप गार्डन है कौन सी लेक के में सिचुएटेड है? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन आता है, लार्जेस्ट जो ट्यूलिप गार्डन है एशिया का और भारत का, ऑन द बैंक ऑफ विच लेक? हाँ, इस लेक को हम क्रोन ऑफ जेएनके कहते हैं, क्रोन लेक कहते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन निकलते हैं इसके, एक और इसके आगे पीछे कौन से माउंटेन हिल भी हैं और माउंटेन का नाम क्या है? जबरमान तो है, पर नाम देख ट्यूलिप गार्डन का नाम चेंज हो गया, इंदिरा ही आसपास मुझे चेक कर लेते, ठीक है, नहीं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आ रही भाई, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। ऑन द बैंक का सेकंड पॉइंट बनता है ऑन द बैंक का विच लेक, ठीक है, बिटवीन डल लेक, किस पे डल लेक इज आल्सो नोन एज क्रोन ऑफ जेएनके, क्रोन लेक ऑफ जेएनके, इसको क्या बोलते हैं, क्रोन लेक ऑफ जेएनके। इसके बाद फिर पूछते हैं ट्यूलिप गार्डन जो है ये कौन से माउंटेन रेंज के बीच आता है, कौन से माउंटेन है? जबरमान, ठीक है, जबरदस्त नहीं जबरमान, ये 2 क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट है, कई बहुत बार ये जबरमान माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंदिरा गांधी जो है लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया का भी और इंडिया का भी। इसके बाद आते हैं फर्स्ट, अभी रिसेंटली भदरवाह में लिवेंडर, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, भदरवाह में लिवेंडर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है ताकि लिवेंडर की क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिया जाए, ये भी याद रखिएगा लिवेंडर फेस्टिवल, ये वहां के लोकल और स्टेट में सेंटर के मिनिस्ट्री ने इसको लिवेंडर फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। लिवेंडर फेस्टिवल कुछ फेस्टिवल देखिए पहले, लिवेंडर फेस्टिवल, अरहल फेस्टिवल, अरहल जो है वॉटरफॉल है, ठीक है, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में वॉटरफॉल है अरहल, शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है उसको एप्पल रोना कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, अरहल जो है अरहल फेस्टिवल, अहरवल फेस्टिवल, और ये अहरवल जो है इसको कौन से फॉल से, दुनिया का सबसे बड़ा वॉटरफॉल कौन सा है? नाइग्रा फॉल, अहरवल फॉल इज आल्सो कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन बनता अहरवल फॉल आल्सो नोन एज नाइग्रा फॉल वेनेजुएला में, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में स्टार्ट किया था फेस्टिवल, लिवेंडर फेस्टिवल, अर्थल फेस्टिवल, और एक होता व्यर्थ फेस्टिवल, ठीक है, व्यर्थ फेस्टिवल ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? झेलम, व्यर्थ इज आल्सो नोन एज शिवरात्रि, झेलम नहीं भाई, शिवरात्रि को हैरत, शिवरात्रि जो है हैरत, हरात भाई, हैरत नहीं हरात, कश्मीरी वर्ड्स है हरात, क्या बोलते हैं हरात, शिवरात्रि इज आल्सो कॉल्ड हरात इन कश्मीर, और उस दिन मैंने आपको कुछ मंथ्स करवाए थे सीजीएलएल एग्जाम में, मंथ्स पूछ रहे हैं अभी रिसेंटली पेपर में पूछा, तेरे पेपर में किस में, कौन से पेपर में पूछा था, किसी में पूछे मंथ तूने मुझे भेजा था मैम, ये मुझे आज क्वेश्चन,
मन सब करना शुरू कर दो, केवल 14 रूटीन में एक पैटर्न पूरे साल चलता है, ठीक है। कश्मीरी मंथ के कैलेंडर मंथ्स भी हैं, कश्मीरी मंथ्स, वो भी मैं आपको कराऊंगी। हर आज जो है शिवरात्रि को, ठीक है, हर आज फेस्टिवल। और जब मैरिजेज होती है ना वहां पे, तो ड्यूरिंग मैरिजेज जो हल्दी की जो मेहंदी रात होती है, उस रात भी स्पेशल एक प्रोग्राम किया जाता है, उसको होता है हब्बा खातून। हब्बा खातून जो है उसके नाम, हाँ, उसके उसके सॉन्ग गाए जाते स्पेशली उन मैरिजेज में, और कावा वगैरह यूज किया जाता है एक वहां पे, ये ट्रेडिशनल रिचुअल्स है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, लिवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवा, अरहर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन शोपियां डिस्ट्रिक्ट। शोपियां डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो कॉल्ड एप्पल टाउन, आल्सो कॉल्ड एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। हमने ये तो सुना है दुनिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, ठीक है, आपको पता है अंडरग्राउंड भी पोस्ट ऑफिस है दुनिया में, ठीक है। जो अंडरग्राउंड पोस्ट ऑफिस है वो जापान में है, कहाँ पे है, जापान में, वो ओनली अंडरग्राउंड पोस्ट ऑफिस है अब पूरी दुनिया में, और ये क्या है, फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया, ठीक है। कश्मीर भी इज इन कश्मीर, श्रीनगर सिटी, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, ये भी लिख लेते हैं, लॉन्गेस्ट ब्रिज, नहीं हाईएस्ट ब्रिज, भाई बड़ी मजेदार, हाईएस्ट ब्रिज जो है अब हमारे यहाँ पे, हाईएस्ट ब्रिज भी है, लॉन्गेस्ट टनल भी है, रोड टनल भी है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल भी हमारी है, हमारी है भाई, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, बड़े मजेदार है ना, ये सब हमारा, ठीक है। ब्रिज, चिनाब ब्रिज, हाईएस्ट आर्क ब्रिज इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड, ठीक है, ये एफएल टावर से भी ऊंचा है। उसके बाद लॉन्गेस्ट जो टनल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सी है, पीर पंचाल और बनिहाल टनल, इसका नाम पीर पंचाल में आ रही हूँ। हाईएस्ट ब्रिज चिनाब, लॉन्गेस्ट टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, का एम कर, ठीक है। और रेलवे टनल जो है ये पीर पंचाल, एक और आपको आज फैक्ट बताती हूँ, और बनिहाल टनल, बनिहाल, इसका ओरिजिनल नेम जो है ना महाभारत में भी डिस्क्राइब है, ये जो पहाड़ हैं जिनको हम आज पीर पंचाल बोलते हैं, इनका ओरिजिनल नाम पंचाल है। पंचाल मीन्स, जब महाभारत के जो पांडवों की वाइफ थी उसका नाम पंचाली बोलते थे, उसके जो पेरेंट्स थे वो उनका रूल था। अभी हम रजौरी डिस्ट्रिक्ट करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जे एंड के में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा फैक्ट जो मिलते हैं ना उस डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, इसलिए नहीं मैं रजौरी लिया ता नहीं, ठीक है, इस वास्ते कि जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है पहले हम पढ़ चुके हैं क्लास में, जितने भी कश्मीर से लेके हम जम्मू तक, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो आज की डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो महाभारत के टाइम से पहले की प्लेस है, वहां पे तब भी लोग, अशोका के टाइम भी लोग वहां पे ट्रेड करते थे, ठीक है। उसके बाद हुइनसैन जो है वो भी वहां पे आया, उसने भी अपनी बुक्स में लिखा है, इसको अलग अलग नाम से इसको डिस्क्राइब किया है, बड़े सारे लोगों ने उस सिटी को डिस्क्राइब किया है अलग अलग नाम से, पहले ये पुंछ के साथ पूरा मैच करती थी, पुंछ का अलग से नाम है, ठीक है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसके एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। वहां पे एक जो फोर्ट है वो एक स्टोर के लिए बनाया गया था, ताकि जो भी लोग यहाँ से गुजरे और वहां से सामान को कलेक्ट करे या रख सकते हैं, उस पर भी बड़ी हिस्ट्री है। 150 राजा वहां भी रूल करते। हाईएस्ट ब्रिज चिनाब, लॉन्गेस्ट टनल श्यामा प्रसाद, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पी पंचाल, बनिहाल टनल, बनिहाल टनल कनेक्ट
नेम द पास विच कनेक्ट कश्मीर टू जम्मू. बनिहाल. काजीकुंड बनिहाल. ठीक है, काजीकुंड आगे आ जाता है. ठीक है, रामबन से आगे है. ठीक है, बनिहाल. अगर बनिहाल पास नहीं होगा तो हम कश्मीर नहीं जा सकते. अगर मुगल रोड नहीं होगी तो हम कश्मीर नहीं जा सकते. दो रोड्स बड़े पासिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें कनेक्ट करते हैं किससे, कश्मीर से. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन कश्मीर को लिख देते हैं. ये भी चलो भाई, इसकी भी बात मानते हैं, उसकी भी बात मानते हैं. कश्मीर आज बिग सिटी इज कॉल सेफ्रॉन सिटी इन इंडिया. पैम्पोर कौन सी है? पैम्पोर. पैम्पर चाइल्ड नहीं, पैम्पोर. पैम्पोर इज कॉल सेफ्रॉन सिटी ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर. सेफ्रॉन सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, ये भी आपके सभी क्यूज है. पी ए एम पोर, पी ओ आर ई, पैम्पोर. ठीक है, अब आता है, ये भी इंडिया में ही है. ठीक है, अब यहां से एक मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन करवाएंगे 2020 का. पहली स्टेट भारत की कौन है, कौन सी है जिसने अपनी सिटी में रोपवे का यूज किया है? वाराणसी. कौन सी है? वाराणसी. वाराणसी के लिए क्वेश्चन याद रखिएगा. वाराणसी एससीओ की और थीम सिटी भी रही है पिछले साल. ठीक है, और वाराणसी जो है पहली सिटी यहाँ पे रोपवे का यूज किया. अब हिमांशु यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बच्चा, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट दोनों है. ये लार्जेस्ट भी है और हाईएस्ट भी है. देश में सबसे बड़ा रोपवे कहाँ पे है? गुलमर्ग. जय जय शिव शंकर. यहाँ पे एक मंदिर है शिव का और गाना तो आपको पता है वो कहाँ पे फिल्माया गया, गुलमर्ग में, है ना? वसीम बोल रहा है मैंने भी जाना है गुलमर्ग, है ना? गुलमर्ग. गुलमर्ग के पास उर होता है जब कोई मुस्लिम सेंट की डेथ हो जाती है या कोई सेलिब्रेशन करते हैं उनकी याद में उर किया जाता है, उसको बोलते हैं मेला. उर्स, उर्स बोलते हैं, ऐसे उर बोलेंगे. हाँ, उर्स. ठीक है, तो उसके वहां पे एक ऋषि है, उनका नाम है बाबा ऋषि. ये जो उर्स है वही अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है उनके सम्मान में. गुलमर्ग लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट रोपवे कहाँ पे है? गुलमर्ग. गुलमर्ग जो है कहाँ पड़ता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में. कौन सी? अनंतनाग. लार्जेस्ट वॉटरफॉल इन जे एंड के. अब ये क्वेश्चन इसमें हम छोटा सियार बाबा वॉटरफॉल है जम्मू का. ठीक है, अब कुछ बच्चे आर्ग्यू कर रहे हैं डोडा है, चेक कर लेंगे. ठीक है, इस पे हम प्रश्न चिन्ह लगा देते. ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रश्न चिन्ह पे रखते हैं क्योंकि लैपटॉप इस टाइम डेड कोई वायरस की वजह से बंद हो गया, नहीं तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा. आप देखो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हो गया, नहीं बुल्लर लेक. बुल्लर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है बुल्लर लेक? बारामूला. कौन सी? बीच और बीच है ना, क्या बोल रहा? बुडगाम. बडगाम. ठीक है, बुल्लर लेक में जेलम का पानी कहा जाता है? बुल्लर लेक में. ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. और यहाँ पे देखो तुम दोनों भाई क्वेश्चन ध्यान से सुनो. कौन सी कार्तिक के क्वेश्चन को सुनो. बडगाम डिस्ट्रिक्ट नहीं है भाई, बांडीपुरा. भाई तुम्हारा विकिपीडिया ना, ठीक है ना, गलत होता है. बांडीपुरा में है, बडगाम नहीं है. बडगाम तो बड़ी आवाज से लगा, बांडीपुरा. हाँ, बांदीपुरा. और नेम द प्लेट, नेम द लेक विच वॉज बिल्ट बाय द टेक्टोनिक प्लेट्स. ये हाँ बुल्लर लेक है. कौन सी है? बुल्लर. ये क्वेश्चन इतनी बार एनडीए में आया ना, 2018 के पेपर में ही क्वेश्चन था. कौन सी लेक है जो टेक्टोनिक प्लेट से बनी थी? ये है बुल्लर लेक. अभी हमने देखा है कि अरहल, अभी अनंतनाग में कुछ पानी जमीन के अंदर जा रहा है अपने आप ही. नदी नदी का पानी चेंज हो गया, वो जमीन के अंदर जा रहा है. उसके ऊपर रिसर्च चल रही है वो पानी जा कहाँ रहा है. ठीक है, वहां इसकी वजह से वहां पे बड़ा सारा पैनिक भी है.
कि जो हुल्लर इस तरह बोलते हैं कि कुछ साल पहले भी इस तरह लेक बन गया था, बन गई थी। हो सकता है अगर ऐसे पानी को कहीं अंदर इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई हाँ कहीं ना कहीं अच्छे साइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो कश्मीर है, श्रीनगर जो था पहले, जितने भी पहाड़ थे ये पहले यहाँ पे 33 नाम का सी होता था। कौन से नाम का? 33 जो भी याद देखना, 33 नाम का एक सी होता था कहाँ पे? कश्मीर श्रीनगर में, ठीक है। पहले एक बहुत बड़ा की जगह में, एक ही बात है, वहां पे क्या हुआ जब एवोल्यूशन हुआ, उन एवोल्यूशन में पहाड़ बने, हिमालयस बन के आए। क्या बन के आए? हिमालयस, जिसको आज हम यंग फोर्ड नाम के नाम, यंग फोर्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, 33 सी ये याद रखिएगा, 33 सी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पे कंटिन्यू करते कितना हो गया? 16 मिनट। लार्जेस्ट फ्रेश लेक वाटर लेक हुल्लर लेक बांदीपुरा में है, और सेकेंड लार्जेस्ट जो लेक है कश्मीर की डल लेक है। कौन सी है? डल लेक, याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक, जब हम यूटी थे, यूटी नहीं थे, स्टेट थे, तब हाईएस्ट जो पीक थी जेएनके की वो नुनकुन थी। कौन सी थी? नुनकुन पीक, याद रखिए। बिफोर यूटी तो हाईएस्ट पीक इज नुनकुन, ठीक है। और अब कौन सा है? आफ्टर यूटी हम आते हैं सनसेट पीक। सनसेट पीक पुंछ में आती है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है, ठीक है, पीओके के पास फॉल करती है सनसेट पीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। सनसेट पीक फर्स्ट सूफी सेंट टू रीच कश्मीर,